स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना सांझा पंजाब टीवी ते। मैं हाँ भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों पंजाब दी धरती ते आउंदे समय च चोणां होणियां ने सन 2022 दे विच। 2022 दीआं चोणां दीआं वख-वख सियासी पार्टियां वल्लों वख-वख ढंग तरीकिआं दे नाल लोकां दे विच अपने पैर जमाउण दी खातर जोर अजमाइश की जा रही है और लोकां दे विच इक अपना आधार कायम करन दे यतन किए जा रहे हैं। वख-वख सियासी पार्टियां दा पूरा जोर लगा होया कि आपां 2022 दीआं चोणां वास्ते लोकां नूं अपने खाते विच किदां भुगता सकदे आ। सो अकाली दल बादल वाले वो तो काफ़ी देर पहले तो ही सरगर्म सके। कांग्रेस पार्टी वाले भी सरगर्म ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कहा जा रहा कि आप नवी पार्टी बनावांगे और ऐलान भी करांगे अटके करांगे हले। सो वख-वख तरह के समीकरण बन रहे हैं और बहुत सारे लोग पंजाब की धरती से बसन वाले जिहड़े कि अनैलिसिस करदे आ, जिहड़े कि पूरा छानबीन करन दी कोशिश करदे आ भी कौन की कर रहा है। अंदाजे लगाए जा रहे, आम लोग भी अंदाजे लगा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का युग हैगा भी कौन किहदे नाल अपनियां तारां नूं जोड़ रहा जां किहदियां तारां किहदे नाल जुड़ियां होईयां ने जां किहदियां तारां किहदे नाल आउण वाले समें च जुड़ सकदियां ने। सो ये जिहड़े जोड़ तोड़ ने ये तां वख-वख सियासी पार्टियां वल्लों वख-वख लीडरां वल्लों अक्सर लगाए ही जांदे ने। सो आम लोग जिहड़े ने अज उह भी सोच रहे ने भी कौन किहदे नाल की करूँगा ते की नहीं करूँगा। सो इदां दे हालातां विच इक जिहड़ी खास दोस्तों गल हैगी आ, कईआं नूं इस गल ते हासा आऊँगा, मैं भी जदों सोचदा कई बार तो मैनू भी हासा आउंदा, पर फिर मैं जदों वेखदा कि केंद्र सरकार भाव के बीजेपी दे जिहड़े एजेंडे हैगे आ भारतीय जनता पार्टी दे जिस तरीके दे नाल उह लगातार वर्क कर रही हैगी आ, जदों मैं उहनां दे कम्मां-कारां वल्ले झात मार के वेखदा, जदों मैं ये समझदा कि सारा कुछ उहनां दे कंट्रोल दे विच हैगा, वख-वख सियासी पार्टियां वख-वख सूबिआं दे विच्चों उहनां ने वख-वख सियासी पार्टियां जिहड़ियां ने बीजेपी तों इलावा उहनां दे हत्थां विच कुछ भी नहीं रहिण दित्ता हैगा, जिहड़े सूबिआं नूं अधिकार हैगे ने सूबिआं दे अधिकार भी खोह के अपने कोल वो लै रहे ने, वध तों वध सूबिआं दे जिहड़े फैसले ने वो अपने कंट्रोल दे विच कर रहे ने। सो इदां दे हालातां दे विच बीजेपी ने अक्सर कुछ ना कुछ तो सोचे होंगा। मैं कई बार इहो सोचदा हैगा कि असी ये जिहड़े काले कानून पास कर रहे हैगे आ, जिहड़े काले कानून इन्हां ने बना के किसानां दे उपर धक्के नाल थोप दित्ते आ, मैं वावे देर तो पहलों तो ही सोचता सगा भी उन्होंने भी तो पता ही है ना कि मोहरे चोणा आनिया ने आपां लोकां दे कोलों वोटां किदां लैणियां, रब जाने उन्होंने की सोचा होंगे जां की ना सोचा होंगे, क्योंकि जिहड़े आपां अंदाजे लाने एक पत्रकार भी अंदाजे लाउंदा हैगा, जर्नलिस्ट जिहड़े ने वख-वख विद्वान वख-वख सियासी माहर जिहड़े हैगे ने वह भी अंदाजे लगाउंदे आ। पर हुण गल इह आ वी बीजेपी दे वल्लों तुसीं देखिआ कि पिछले समय विच वी आख्या गया कि पंजाब दे विच असीं जदों तो इन्हां दा अकालियां दे नालों तोड़ विछोड़ा होया, उस तो बाद भी इन्हां दे वख-वख लीडरां वल्लों इह गल आखी गई कि पंजाब दीआं 117 सीटां दे उपर भाव कि सारियां ही सीटां दे उपर असीं अपने दम दे उपर चोणां लड़ांगे, अपने दम दे उपर। हासा आउंदा सीगा कईआं नूं भी इदां किदां हो सकदा भी पंजाब दे विच तुहाडा आधार ते है ही नहीं आ, जदों अकालियां दे नाल तुहाडी सांझ सीगी तद भी अकाली दल दे मूँह नूं पंजाब दे लोक वोटां पाउंदे सीगे तां तुहाडी इन्हां दी भाईवाली दे नाल इत्थे सरकार चलदी सीगी पंजाब दे विच, भई हुण तुसीं अपने दम दे उपर वह भी उन्हां समयां दे विच जदों पंजाब दे ही नहीं जदों पूरे भारत दे आम लोग तुहाडे विरुद्ध संघर्ष कर रहे ने, तुहाडे खिलाफ झंडा चुकी फिरदे ने, किसान तुहाडे खिलाफ संघर्ष कर रहे ने और दुनिया भर दे विच तुहाडी थू थू हो रही आ, इदां दे हालातां विच तुसीं इस गल दा दावा किदां कर सकदे हो कि असीं 2022 दे इलैक्शन अपने दम ते लड़ांगे और अपने दम ते जितांगे और बीजेपी दा मुख्यमंत्री होऊंगा पंजाब दा, इन्हां दे जो दावे ने, और शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज देंगे, इदां दे इन्हां वल्लों दावे कीते गए। सो हुण जिहड़ी ताज़ी गल हैगी आ दोस्तो वो ये आ, नवां पंजाब भाजपा दे नाल इन्हां ने हुण ये नारा दिता हैगा और बीती कल उन्होंने एक आगाज़ किया हैगा पंजाब की धरती दे उपर पैर पसारन दे उन्होंने यतन किए ने और उन्हां वल्लों आही गल फिर आखी गई है कि असीं 117 सीटां दे उपर चोणां लड़ांगे और पूरे जोर शोर दे नाल उन्होंने इदां दे दावे किए हैगे आ। हुण पंजाब दे लोकां वास्ते परख की घड़ी है क्योंकि जिहड़ी पार्टी दावे करदी है केंद्र दे विच भी जिन्हां दी सरकार है आखिर सारा कुछ उन्होंने कंट्रोल दे विच हैगा, किसी ना किसी तरीके दे नाल किसी तरीके नाल उन्होंने कुछ ना कुछ मैनेज तो करना ही हैगा ना, जिहड़े काले कानून धक्के नाल थोप दिते गए ने उन्हां दी भी वरतों की जा सकती है, किसान संघर्ष कर रहे ने उन्हां नूं भी अपने भच्चे विच लैण दी कोशिश की जा सकती है भी चलो असी तुहानूं राहत दे दिंदे आ ते तुसीं सानूं सपोर्ट करो, पंजाब दे किसानां नूं वरगलाउण दी कोशिश की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता। देखो सियासी पार्टी है चोणां जितण वास्ते कुछ भी उन्हां नूं वो कर सकते हैं और उन्होंने करना चाहिए भी है कर सकते हैं, पर पंजाबियों के वास्ते
ते सिखां दे वास्ते जिहड़ी खास समझण वाली गल है वह ये है भई तुसी सुचेत किदां रहोगे। गल ये है भई तुसी जिहड़े उन्हां वल्लों पैर पसारन दे यतन हो रहे आ भई तुसी किदां उन्हां नूं इन्हां चीज़ां तों रोकोगे। वैसे लोकतंत्र है वो अपना ये काम कर सकते हैं, लोकतंत्र भारत का जिहड़ा संविधान हैगा वो उन्होंने रोकता नहीं है कि तुसी इस सूबे दे विच जाके अपनी पार्टी के पैर ना जमाओ इलैक्शन ना लड़ो वो नहीं रोकता है। लेकिन उन्होंने रोकना या पंजाब के लोगों के या पंजाब तो बाहर जिहड़े होर सूबे ने उन्होंने सूबों के लोगों वास्ते जरूरी क्यों हैगा? भला जरूरी इस करके आ क्योंकि जिहड़े उन्होंने एजेंडे हैगे आ जिस एजेंडे के उपर वो चल रहे आ जिस तरीके दे नाल वो पंजाब दे ही नहीं वख वख सूबियां दे ही नहीं पूरे भारत के लोगों का घाण कर रहे हैं। ये उन्हां चीज़ां नूं सामने जदों तुसीं रखदे आ फिर बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता हैगा उन्हां गल्लां नूं समझ के ते इन्हां दे वधदे हुए पैरां नूं रोकना। सो बीते कल इन्हां ने पंजाब दे बीजेपी दे इंचार्ज गजेंद्र सिंह हो गए शेखावत उन्होंने अगवाई के हेठ इन्होंने पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा की प्रधानगी दे थले तीन केंद्रीय मंत्री सके जी उहदे विच हरदीप सिंह पुरी है श्रीमती मीनाक्षी लेखी ते श्री सोम प्रकाश की हाज़री दे विच एक पोस्टर जारी किया। इन्होंने आही पोस्टर जिहड़ा मैं पहले जिक्र करके हटिया भी नवा पंजाब भाजपा दे नाल। सो मैं बेनती करा कि उत्थे इन्हां वल्लों एक होर जिहड़ा यतन किया गया हैगा उत्थे इन्हां ने जिहड़ा इकट्ठ किया हैगा उहदे विच सरदार बंदे इन्होंने जिन्हां दे सिरां दे उपर पग्गां बन्नियां ने इन्होंने वह भी दुनिया भर के लोगों नूं दिखाउण दी कोशिश कीती है कि पंजाब दे सिख भाईचारे नाल संबंधित लोग साडे नाल ने भाव कि पंजाब दे सिख बीजेपी दे नाल ने उन्हां वल्लों यह दर्शाउण दी कोशिश कीती गई है। हासोहीणी लगती है ना जी गल भी इदां किदां हो सकदा, पर मैं बेनती करां उन्हां दे एजेंडे ने अवेसले होण दी भी जरूरत नहीं हैगी, डरन दी भी लोड़ नहीं हैगी, पर अवेसले होण दी भी जरूरत नहीं हैगी क्योंकि तुसी देखो उन्होंने ये गल आखी सी कई साल पहला मंदिर वहीं बनेगा। मैं अयोध्या की धरती के उपर बाबरी मस्जिद को ढाण तो बाद जो राम मंदिर की उसारी की जा रही है मैं उसकी गल कर रहा, मंदिर वहीं बनेगा। मैं बेनती करा उदो बहुत सारे लोग ये गल कहते होंगे सके कि इन्ना सौखा नहीं है मंदिर बनना, ये एवें गप्पा मार दिया इन्हों को कितने कुछ होना, बाबरी मस्जिद पहला होंगी सी गल भी वह भी नहीं ढा होनी इन्हों को, अगले ने वह भी ढाई, फिर मंदिर वहीं बनेगा ये गल कहते रहे हो, बनाया उन्होंने बना रहे ना जी हो। सो मेरे कहने का मतलब यह हैगा कि वह लगातार जिहड़े वो ऐलान करते जिहड़ियां गल्लां करते उन्हां कम्मां नूं वह सिरे चाढ़न का यतन ही नहीं करते हैं, सिरे चाढ़ते भी आ रहे ने, यह मैं गल करदा। इस करके मैं कह रहा हाँ भी सुचेत रहन की लोड़ है, अवेसले होण की लोड़ नहीं भी ना ना कुछ नहीं कर लगे ल हद हो गई। मैं इतने कई लोग जिहड़े हैगे ने जदों मैं किसानी संघर्ष के विच जाना अपना माइक लैके जिहड़े किसान संघर्ष कर रहे हैं आम लोग भी ने जिहड़े मैं उन्होंने नाल कई बार इंटरव्यू करने की कोशिश करता, मैं उन्होंने सवाल करता हैगा कि बीजेपी अपने पैर पसार रही है भी दसो तुहाडा की सोचदे हो तुसीं। उन्हां दा यह कहना हुंदा है कि शंभू बार्डर टप के दिखाउण असीं लत्तां भन्न देंगे, शंभू बार्डर टप के दिखाउण बीजेपी वाले असीं लत्तां भन्न देंगे। मैं अगों उन्हां नूं यह गल कहना हुंदा कि भलिओ किहनूं उड़ीकदे हो भी कौन शंभू बार्डर टप्पे ते असीं लत्तां भन्नीए, किहदियां लत्तां भन्नण दी गल करदे हो, उन्होंने पैर पसारे तो हुए आ होर किदा पैर पसारने होंगे, अद्धा पंजाब BSF के हवाले ठीक है जी, और पंजाब की धरती के उपर पंजाबी माँ बोली तुहाडे कोलों खो रहे ने, जिहड़े पंजाब के स्कूल ने वख वख प्राइवेट स्कूल ने उन्हां दे विचों तुसीं देखो CBSE का जिहड़ा सिलेबस हैगा ऐतकी वाला डेट शीट के विचों उन्होंने पंजाबी माइनर च पाती, उन्होंने पंजाबी कढ़ती अगलिया ने। सो इस तरीके दे नाल तुहाडी धरती दे उपर उन्होंने पैर पसारे तो होए। मैं ये गल्लां कुछ खास करके उन्हां लोकां वास्ते कर रहा जिहड़े ना एवें वैसे ही ना ना लै आपां कितें पैर लाउण दिंदे उन्हां नूं जिहड़ा इदां कहिंदे आ लै उन्हां दे कितें पैर लगण देंगे आपां, ओह भले ओह पैर ला लए उन्हां ने, तुहानूं अपने ही सूबे दे विच उन्हां ने किस तरीके दे नाल घट गिणती विच करना हैगा। जिवें आपां इह गल कहिंदे आ कि पंजाब बहु गिणती सिख वसों वाला सूबा है, मैं बेनती करां वो जिस तरीके काम कर रहे हैं वो ये तो है नहीं भी धक्के इदा कर रहे हैं भी तुम कहने भी ल अच्छा धक्के करते हैं लै असी नहीं इदा होने दें, धक्के तो कर ही नहीं रहे हो, वो बड़ी प्लैनिंग दे नाल बड़ी साजिशी तरीके दे नाल सारा कुछ कर रहे हैं, और जिस तरीके दे नाल सारा कुछ कर रहे ना पंजाब दे लोगों को मजबूर किया जा रहा, इतने हालात इदा के बनाए जा रहे हैं कि पंजाब दे लोग पंजाब की धरती छड़ के बाहर विदेशों में सैटल होने पहल दे रहे हैं, जिस तरीके हालात इदा के पैदा करते हैं, और जड़ा फिर उदी जगह तो स्पेस खाली जड़ी जगह हैगी
उस जगह दे उपर प्रवासी जड़े ने वख-वख सूबियां तो लिया के यूपी तो बिहार तो उन्होंने इत्थे पंजाब की धरती दे उपर वसाया जा रहा है वधिया तरीके दे नाल वसाया जा रहा उन्होंने और जिहड़े इत्थों दे पंजाब दे कामकार ने वह सांभ रहे ने। और मैनू तो इस गल का फिक्र हुंदा कई बार भेजे आउंदे समें विच जदों दुबारा मरदमशुमारी होऊंगी तां उन्होंने अपनी कौम की लिखाउणी है भला, सिख तो है नहीं वह की लिखाउणगे भला। और तुसीं देखो जे इदां होजूंगा तां फिर तां मरदमशुमारी तो बाद फिर यह गल उभर के सामने आ जाऊंगी कि पंजाब एक घट गिणती सिख वसों वाला सूबा है। फिर इदां होजूंगा अपने ही घर दे विच अपनी ही धरती ते अपने ही पंजाब दे विच तुसीं घट गिणती विच रह जाऊंगे उस धरती दे उपर जिथे कदी खालसे ने जिथे कदी सिखां ने राज भाग कीता सी जिथे राज भाग उस धरती दे उपर तुसीं घट गिणती विच रह जाऊंगे। होर पैर पसारना किहनूं कहिंदे आ भला, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਪਸਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਣਗੇ ਭਲਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਹੰਜੂ ਜਿਹਾ ਬਹਾ ਦੇਵੇ, ਐਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
कामयाब हो जाते हैं अक्सर होंगे ने। हुण जिहड़ी गल हैगी आ कि पंजाब दे लोकां नूं पंजाब दे लोकां वास्ते परख दी घड़ी है। हुण जो उन्हां वल्लों पंजाब दी धरती ते पैर जमाउण दी कोशिश की जा रही है तो पंजाब दे लोकां वास्ते इह परख दी घड़ी हैगी आ कि पंजाब दे लोक उन्हां दीआं गल्लां विच आउणगे जां नहीं आउणगे, इह इक बड़ी वड्डी गल हैगी आ। हुण जिहड़े सिख उन्हां ने अपणियां, मैं माफ करना सिख लफ्ज़ बोल बैठा वैसे, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗਾਂ ਨੇ, KPS ਗਿੱਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ, ਗਿਆਨੀ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਹੈ ਜੀ, BJP ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਜੇ ਭਾਰਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਲਾਏਗੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨੇ BJP ਵਾਲੇ। BJP ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ? RSS ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਤੇ ਪਾ ਬੈਠੀਏ। ਜੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਲੈਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਮ ਕਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। BSF ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ? BJP ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਬੋਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ BJP ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ BJP ਅਤੇ RSS ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਉਹ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਬੋਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਬੋਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ?
माफ़ी इस करके नहीं मंग ली, उन्होंने पछतावा जहा हो गया। असल इधरों जोर पै गया ज़्यादा, तो माफ़ी मंग ली, वरना वो माफ़ी नहीं मंगने वाले है, वो नहीं माफिया मंगते। किन्नी बारी कित वो पछतावा करते अपने किए हुए कामों का, और उन्होंने वालों पुश्त पनाही की जाती है उस पार्टी के वलों। तुहानू साधु भी प्रग्या ठाकुर चेते है, कित भुल ना जायो, पंजाब की धरती के उपरों पैर जमाण वास्ते आ रहे हैं वक् वक् सूबे में, जिते जिते उन्होंने पैर पसरे हुए चेते रखियो। उत्तर प्रदेश के की कुछ हुंदा रहा ते की कुछ अज भी हो रहा है चेते रखियो। सो ये सारा कुछ चेते रखण की जरूरत है। पंजाब की धरती के उपर उन्होंने अपने पैर पसारण तो बाद करना की है, शेरे पंजाब वर्गा महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज भग देना है, जां उन्होंने जिहड़े उन्होंने एजेंडे ने वो स्थापित करने। तुहाडी अडरी अते न्यारी होंद हस्ती नूं ही निगल जाण दे वास्ते पूरी तरह इदा फन अड्डी बैठे ने, तैयार बर तैयार ने भई तुहानूं किदां निगल जाणा हैगा। तुहाडी अडरी होंद हस्ती नूं ही वो नहीं मन्नदे, वो अपना ही कहिंदे सिख साडा ही हिस्सा हैगे आ। साडा हिस्सा दा भाव इदां नहीं हैगा कि साडा हिस्सा आ भई बहुत प्रेम प्यार वा, भई तुसीं हिंदू ही हैगे हो, तुसीं कोई वख नहीं हैगे, तुहानूं तुहाडी अपनी जिहड़ी वक्री पहचान हैगी आ उहदे तों वो आकी ने, वो नहीं मनते थोड़ी वक्री ते अडरी होंद हस्ती। सो इस तरीके दे नाल वो जड़ा उन्होंने उत्ते भगवा रंग चढ़िया होया, उस भगवें रंग में जिदा वक् वक् सूबियां दे विच पूरे भारत दे विच वो खिलारना चाहते हैं, इस ही तरीके दे नाल पंजाब दे विच भी वो अपना भगवा रंग पूरी तरह इदा खिलारना चाहते हैं। कि तुसी तैयार हो, कि तुसी चाहते हो कि इदा हो जाए, या तुसी आने कि पंजाब की धरती खालसा जी की धरती है, या तुसी चाहते हो कि यह धरती उन्हां दी है जिन्हां दे खाल जिन्हां दे बोलबाले होया करदे सी इत्थे, तां फिर तुसी उस धरती नूं बचा के रखो, अपने वास्ते बचा के रखो। बीजेपी दी सरकार है केंद्र दे विच, जे एक पासे गुआंढी एक कमज़ोर है उधर तो पूरा रज के उन्हां नूं धमकाउंदे आ, जे दूए बन्ने चीन की गल करदा मैं, जे वह मजबूत है अगले किन्ने वर्ग किलोमीटर तुहाडे अंदर तक आ जांदे हैगे आ, हज़ारां वर्ग किलोमीटर, तां चू तक भी नहीं करते हैं, उत्थे पंगा भी नहीं लै हुंदा हैगा। उधर मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, उहदे बारे भी बयान इन्हां दे आउंदे हैगे आ वख-वख लीडरां दे बीजेपी दे, वो कहिंदे भी असीं सारा कुछ जिहड़ा हैगा पूरा पंजाब अपने कब्जे दे विच लै लांगे। जिहड़े फौज दे मुखी ने उहनां वल्लों भी इदां दे बयान आउंदे आ, पूरा जिहड़ा वो कश्मीर हैगा अपने कब्जे विच लै लांगे, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जिहड़ा हैगा वह भी असीं अपने कब्जे विच लै लांगे। उधर इदां उधर जिहड़ा हुण मैं की आखा भी मामिया ने जिहड़ा तुहाडा वो लिया होया कब्जे विच, पहले ही चीन की गल करदा मैं, तुहाडी धरती दे उपर पहले ही कब्ज हो गए ने, आ पिछले बरे भी होए, पिछले बरे भी होए, तो सन 1961 दे विच भी होए, किन्ने किन्ने किन्ना एरिया तुहाडा उन्होंने नप लिया, उन्हां उन्हां दे कोलों छड़ाओ तां अपना एरिया, वो तो तुहाडा अपना ही है ना, वो छड़ाओ उन्हां दे कोलों। सो ये वो पार्टी आ, उस पार्टी की मनोदशा की हैगी, उस पार्टी के एजेंडे की आ, जे पंजाब दे लोकां नूं इन्ना कुछ हो चुका आ पंजाब की धरती दे उपर, पंजाब दे वासीओ भावें गैर सिख ने जिहड़े जिहड़े के खालसा राज की हमायत नहीं भी बेशक करते, मैं उन्हां नूं भी बेनती करनी चाहूँगा, किन्ने किसान हुण तक शहीद हो चुके ने या मारे जा चुके ने इन्हां दीआं करतूतां दी वजह करके, इन्हां दे काले कानूनां दी वजह करके, और उन्हां नूं जमा ही इस गल की कोई परवाह नहीं हैगी। तुहानूं पता आशीष मिश्रा नूं चेते रखियो, अजय मिश्रा नूं चेते रखियो, उहदे बापू नूं जिहड़े तुहानूं उत्थे धमकाउंदे आ संघर्ष करदिआं नूं, जिहड़े इह गल कहिंदे आ कि दो मिनट दे विच सुधार देंगे, सुधर जाओ और तुहानू सुधारना चाहुंदे आ, चेते रखो ये सारियां गल्लां, भुल ना जायो, होर चेते रखियो, बहुत कुछ हैगा मेरे कोल दसण वास्ते। तुसीं देखो NRI सज्जन जिहड़े इत्थे सपोर्ट करदे आ, रखड़ा जी, धालीवाल जी, दर्शन सिंह धालीवाल जी का जिक्र करदा मैं, एक अमरीक सिंह वह भी कल आए सीगे परसों, उन्हां नूं भी अगले ने दिल्ली एयरपोर्ट तो वापस मोड़ दिता, क्यों भला, क्योंकि तुसीं इत्थे इत्थे किसानां दी सपोर्ट करदे हो, कहिंदे इस करके तुसीं इस धरती दे उपर नहीं आ सकते। अगले नूं अपने भतीजी दे विआह विच आ रहे सीगे, उत्थे भी नहीं अगले ने आउण दित्ता, वापस मोड़ता उन्होंने, चेते रखियो। ये वो सज्जण हैगे ने जिहड़े तुहाडे इस संघर्ष दे विच बदामां गिरियां दे लंगर लाउंदे रहे आ, अज भी ला रहे ने, अज भी सपोर्ट करदे ने, चेते रखियो, इन्हां ने उन्हां दे नाल इस तरीके का सलूक किया हैगा। इस तों इलावा होर भी बहुत कुछ तुहानूं चेते रखण की लोड़ है, ये भी चेते रखियो कि अकाली दल बादल ने पंजाब दे धरती दे उपर पंजाब दे पिंडा तक अपने मोढ़ियां दे उपर चक के ते इन्हां दे पैर लवाए आ, ये भी गल चेते रखियो, किते भुल ना जायो, पंजाब दे वासियों नूं मैं बेनती करनी चाहुंदा किते भुल ना जायो, सारा कुछ चेते रखण दी लोड़ है। इस तों इलावा होर बहुत कुछ मेरे कोल लंबी चौड़ी लिस्ट हैगी आ, गल्लां बहुत ज़्यादा हो जाणियां, मैनूं लगदा कि तुहानूं भी जरूर पता होऊंगा इन्हां सारियां गल्लां दा। इस तों इलावा ज़्यादा होर भी तुहाडे कोल भी जरूर लिस्टां होणगियां भी की कुछ चेते रखण की जरूरत है। मालेगाम बंब धमाकियां वाली मैं गल करदा सीगा, विच रह गई सी गल, ओह साधवी प्रग्या ठाकुर
और वह मालेगांव बंब धमाकों की दोषी है। जे वह दोषी है तो वो जमानत होंगी है, जमानत होंगी है उस तो बाद अपनी पार्टी शामिल किया जाता, पार्टी शामिल किया जाता, टिकट दिती जाती है, टिकट दिती जाती है तो फिर जिताया जाता, जिता के तुहाडे सिर दे उपर बहाया जाता। हाँ, इस देश के लोगों के सिर दे उपर बहाया जाता, चेते रखियो सारा कुछ। गुजरात दे विच मुसलमानों का कतलेआम होया सीगा, गोधरा कांड, आ नरेंद्र मोदी होरां नूं इन्हां नूं उदों क्लीन चिट देती गई सी, नरेंद्र मोदी समेत होर 63 जने सीगे। आ 3 दिन होए आ पहलां दुबारा सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी ओह रिट सीगी ना, जिहड़ी ओह क्लीन चिट जिहड़ी देती गई सी, उस क्लीन चिट दे खिलाफ दुबारा सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाउण दी आग्या देती आ। कहिंदे ठीक आ जी, दुबारा आग्या दिओ। सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा इन्हां दे उपर केस चलाउण दी आग्या देती आ। इह दोषी ने उस केस दे विच, जे साबित हुंदा तां इन्हां नूं सज़ा होणी आ, जे हुंदा इदां तां। चेते रखियो सारा कुछ। ये मैं पंजाब दे वासियों नूं बेनती करनी चाहुंदा, बहुत कुछ हैगा। और मैं एक होर जिहड़ी अखीर दे विच बेनती करनी चाहूँगा वह ये आ कि अपने आप नूं कमज़ोर ना समझियो। मैं दोनों ही गल्लां करदा, एक तो इन्हां नूं भी बिल्कुल कमज़ोर ना समझो, यह ना सोचो कि लैदा किदा हो जूगा, कि पैर लगन दें आप इन्हों शंभू बार्डर नहीं टप्पण दें। मैं बेनती करा, अगले टप के आ चुके हैं तो कई बरे पहलों के आके थोड़े बिच घुसपैठ कर चुके, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो लैके चीफ खालसा दीवान तो होर वक् वक् अदारे पूरी तरह घुसपैठ कर चुके हैं। वो थोड़ी माँ बोली थोड़ी खोली अगलिया ने, थोड़ा सभ्याचार थोड़े को खोदे जा रहे हैं, जिहड़ियां थोड़े बच्चों ने अगह पढ़ाइया करनिया ने उन्होंने पढ़ाइया के अगलिया ने चेंजिस लियातियां ने उन्होंने, होर किदा भला उन्होंने थोड़े घुसपैठ करनी होंगी। एक सरकार पंजाब की धरती से बनाने वाली रह गई है, बस उसके वास्ते मैं बेनती करदा कि बिल्कुल एवं फोकी फूफा के ना रह जाओ कि नहीं लगन दिने पैर। तो दूजी गल भी मैं करदा, घबराने की भी लोड़ नहीं हैगी। जड़े होर गुआढ़ी वक् वक् इधर उधरले सूबे है ना, उन्होंने को भी सिक्ख्या आप लै सकते हैं। वैसट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी, उन्होंने को सिक्ख्या लियो, वो अपनी बंगाल की धरती के उपर इन बीजेपी के पैर नहीं लगन दे रही। केरला चेते रखियो, केरला वाले अपनी जमीन के उपर इन जमा ही पैर नहीं लगन दे रहे, चेते रखियो। असाम चेते रखियो। सो ये वो सूबे है जड़े सूबे अपनी धरती के उपर बीजेपी के पैर जमा ही नहीं लगन दे रहे। सो जे वो नहीं लगन दे रहे तो पंजाब वासियो तुसी बहादुर हो, तुसी अपने आप नूं चेते रखियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वारस हो, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी वाले राज भाग दे वारस हो तुसी। मैं आस करदा कि एक वो पार्टी जिहड़ी सोच फिरकू है, जिहड़ी किसे होर धर्म नूं देखना ही नहीं मंगदी, जिहड़ी ये सोचदी है कि एक राष्ट्र एक झंडा एक भाषा होवे, जिहड़ी इउं चाहुंदी हैगी आ, मैं आस करदा कि तुसी इस किस्म की फिरकू पार्टी के पैर अपनी सर जमीन के उपर नहीं लगन देंगे, जिथे उत्थे अपने पैर मजबूती दे नाल पंजाब की इस धरती के उपर स्थापित करन दे लई कोई ना कोई वधिया रणनीति घड़ के ते वधिया तरीके दे नाल तुसी अपने झंडे अपनी धरती के उपर जरूर गड़ के रखोगे और अपनी नसलों नू अपनी होंद नू ते अपने सभ्याचार नू पक्के तौर पर बचाउण दा कोई ना कोई ठोस हीला वसीला जरूर करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।